खूबसूरत सा तालाब है, यहाँ पर दो तालाब हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है, फिट? उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। सामने आपको दिखाई दे रहा होगा जॉयलैंड पार्क, और ये कोई वीआईपी की कारें जा रही हैं यहाँ से। तो अभी हमने जॉयलैंड चिल्ड्रन पार्क से होके अब हम जा रहे हैं एक दूसरे पार्क जिसका नाम है शहीदां पार्क। तो ये ग्रे विलाज आपको मैं दिखा रहा हूँ, तो ये काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा था मुझे। ये एक होटल है, ग्रे विलाज होटल, तो काफ़ी अट्रैक्शन है इसमें। तो अभी तो हम जा रहे हैं आगे अपने पार्क की जाने, दूसरे पार्क की जाने। लास्ट एपिसोड में आपने देखा होगा कि हमने चिल्ड्रन जॉयलैंड पार्क में इंजॉय किया था बच्चों के साथ, और अब हम एक और दूसरा पार्क ढूंढ रहे हैं जो बिल्कुल इसके साथ है, कश्मीर पॉइंट के साथ। इसका नाम है शहीदां पार्क। इधर देखते हैं, इधर है क्या? घर है? कुछ नहीं है। तो दोस्तों ये रास्ता है इस पार्क का, ये एक और साइड से रास्ता है, मेन गेट दूसरी जानेब है। तो हम यहाँ से जा रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से इस साइड पर क्या है। सुना है यहाँ पर कोई तालाब मौजूद है जहाँ पर मेरे ख्याल से बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता है। तो ये छोटी छोटी सी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, इस पर हम चढ़ के ऊपर की जानेब रवा दवा हैं दोस्तों। और मौसम आज काफ़ी कमाल है, औसम मौसम है आज मरी का दोस्तों। और यहाँ पर ग्रीनरी तो काफ़ी शानदार दिखाई दे रही है, मौसम प्यारा है तो आपका दिल भी बाग बाग होता है। तो दोस्तों अब हम काफ़ी ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे ये तालाब। तकरीबन मकामियों से मैंने पूछा है तो वो कह रहे हैं कि दो या तीन यहाँ पर तालाब हैं जिन पे बारिश का पानी इकट्ठा होता है, और ये तालाब काफ़ी ज़्यादा गहरे हैं। और यहाँ पर ममनू है यहाँ पर अंदर जाना क्योंकि गहराई काफ़ी ज़्यादा है, तो डूबने का ख़तरा है। ये एक सीटिंग एरिया भी आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। तो ये एक चलने वाला एक वो रास्ता बना हुआ है यहाँ पर, और ये मैं ज़रा अंदर से आपको दिखाता हूँ इसका नज़ारा। तो ये काफ़ी ज़्यादा गहरा है तालाब जो आपको दिखाई दे रहा होगा, और जालियों से इसे बंद कर दिया गया है चारों जानिब से दोस्तों। और थोड़ा सा आगे चलते हैं और मज़ीद देखते हैं कि यहाँ पर क्या मौजूद है। ये एक बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर, इस पर लिखा हुआ है कि खबरदार, ये 17 फीट गहरे हैं ये तालाब और इनके करीब मत जाएं वरना पुलिस आपको पकड़ लेगी। तो काफ़ी पुराने ये मुझे दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी पहले के बने हुए होंगे, शायद अंग्रेज़ों के ज़माने के होंगे मे बी, क्योंकि यहाँ जो तख्तियाँ लगी हुई हैं वो ऐसे स्टाइल पेश कर रहे हैं जैसे काफ़ी पुराने ज़माने की हों। तो ऐसा ऐसा हम चलते चले जा रहे हैं अपनी मंजिल की जानिब, जो कि हमारा दूसरा पार्क जिसका नाम है शहीदां पार्क दोस्तों। तो बाग़ शहीदां भी यहाँ कुछ लोग उसे कह रहे थे मेरे ख्याल से। तो हम उसी तरफ गामजन है उसी तरफ चलते चले जा रहे हैं। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर ऊपर, खूबसूरत सा तालाब है यहाँ पर, दो तालाब हैं, पता नहीं किस चीज़ के लिए तालाब बनाए गए हैं। पीछे कुछ डिस्क्रिप्शन लिखी हुई थी लेकिन वो मैंने पढ़ी नहीं है, तो मैं आपको बाद में बताऊंगा उसके वाले से। तो अभी तो मैं सिर्फ वीडियो बना के यहाँ पहुँच गया हूँ। तो काफ़ी ठंडा माहौल है यहाँ पर, सब्ज़ा मरी की एक ख़ास बात है कि यहाँ पर ठंडक बहुत ज़्यादा होती है, और उसकी वजह है यहाँ का सब्ज़ा जो चारों तरफ फैला हुआ है, और कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर सब्ज़ा ना हो दोस्तों। तो यहाँ बच्चों के लिए काफ़ी औसम जगह है, बच्चों के लिए झूले भी हैं, खाने पीने का सामान भी है, तो यहाँ पर ज़रूर आएँ आप। ये है पीए पार्क और इसके ऊपर मैं गया हूँ तालाब, और यहाँ पे एक और मुझे झूले नज़र आ रहे हैं, कोई और पार्क नज़र आ रहा है, मैं वहीं जा रहा हूँ। आ जाएँ आपको ले चलता हूँ।
आ जाए। हम वहीं जा रहे हैं। अल्लाह क्या? मैं उसके बच्चे नहीं। वो उस बहुत गंदा झूला है वो मम्मा। बहुत गंदा है वो वाला। दोस्तों अब हम इंटर हो चुके हैं इस शहीदा पार्क में और ये एक और तालाब मुझे देखने को मिल रहा है जो बिल्कुल खाली है। पता नहीं स्विमिंग पूल है या तालाब है, कोई आइडिया नहीं हो पा रहा क्योंकि कुछ यहाँ पर मेंशन नहीं है, लिखा हुआ कुछ भी नहीं है। और ये मेरी दाएं जानेब आप देख रहे होंगे ये एक रेस्टोरेंट है। यहाँ पर फैमिलीज़ भी देखने को मुझे मिल रही हैं और कुछ झूले भी यहाँ मौजूद हैं बच्चों के, तो इसे भी एक्सप्लोर करेंगे हम। और ये तालाब दिखा रहा हूँ आपको, तो इसको देखते हैं ज़रा, इस रेस्टोरेंट को। दोस्तों इस पार्क में आपको ये मसनूई घोड़ा दिखाई देगा जो बच्चों के लिए बड़ा लुत्फ़अंदोज़ होने का सबब बनता है। इस घोड़े पे हम बच्चों को बिठा देते हैं, वो खुश होते हैं, एंजॉय करते हैं इस घोड़े पे बैठ के। और ये मील स्ट्रॉम इसे कहते हैं इस झूले को, और ये बड़ा ख़तरनाक झूला है। ये इसमें बैठ जाते हैं लोग और इंजॉय करते हैं, गोल गोल घूमता है ये। और ये रोलिंग कोस्टर इसका नाम है। तो ये एक और झूला यहाँ पर, ये भी काफ़ी ख़तरनाक है दोस्तों। और ये अब चलना शुरू हो चुका है, लोगों ने यहाँ टिकट्स ले ली हैं और वो बैठे हैं और इस सफ़र को एंजॉय करेंगे वो। और अभी थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाला है ये रोलिंग कोस्टर दोस्तों। ये चल चुका है, ये देखें ज़रा, काफ़ी मज़े कर रहे हैं यहाँ पर लोग और इंजॉय कर रहे हैं। काफ़ी डेंजरस किस्म का ये झूला दोस्तों। दोस्तों अब हम आए हुए हैं बाग शहीदा में। ये बाग शहीदा है, यहाँ पर बच्चों के झूले भी हैं और यहाँ पर फैमिली भी बैठ सकती है, फैमिली के बैठने की जगह भी है, खाने पीने की चीज़ें भी यहाँ बाग शहीदा में, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो नीचे था चिल्ड्रन जॉय लैंड पार्क, नीचे जो हम आए अभी पी आई ये पार्क, हमने अभी जाना है, आगे जाना है एक्सप्लोर करना है। तो नीचे हमने चिल्ड्रन जॉय लैंड पार्क देखा है और ये आए हुए हैं बाग शहीदा में। तो ये देख रहे हैं यहाँ पे बैठने की जगह भी है, फैमिली भी यहाँ बैठती है, काफ़ी अच्छी जगह है, पुरसकून जगह है। और फ्री में झूले भी हैं, सबसे बड़ी बात है यहाँ फ्री में झूले मिलते हैं दोस्तों बच्चों के लिए। और स्लाइडर्स हैं और भी दीगर झूले हैं जो मैंने आपको दिखाए भी और दिखाता भी रहूँगा साथ साथ दोस्तों। दोस्तों ये है बाग शहीदा में मौजूद एक होटल और रेस्टोरेंट कह सकते हैं इसे। तो रेस्टोरेंट भी यहाँ पर एक मौजूद है, यहाँ पर खाना पीना भी मिल जाता है, पिज़्ज़े वगैरह फ़ास्ट फूड भी अवेलेबल है यहाँ पर। और फैमिलीज यहाँ पर बैठ के इंजॉय करती हैं और बच्चे यहाँ पर झूले झूलते हैं जो कि मुफ्त हैं, फ्रीली अवेलेबल हैं, कोई चार्जेस नहीं हैं इन झूलों के। काफ़ी खूबसूरत हैं, कलरफुल झूले हैं और छोटे बच्चों के लिए तो ये कमाल हैं दोस्तों। और दोस्तों ये मील स्ट्रॉम चल चुका है, ये बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे की तरफ हरकत कर रहा है दोस्तों। और काफ़ी गोल गोल दायरे में भी हिल रहा है, ये देख रहे हैं जैसे कि आप दोस्तों। काफ़ी ख़तरनाक ये झूला है, तो मेरी तो जान निकल जाएगी यहाँ पर बैठ के, तो मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकता ऐसे झूले। और ना ही मुझे शौक़ है झूला झूलने का। तो जो बड़े दिल वाले लोग हैं, जो जैसे कह सकते हैं आप बहादुर लोग हैं, वो इस झूले पर बैठ सकते हैं और ऐसी इंजॉय कर सकते हैं इस झूले पे, इस राइड को इंजॉय कर सकते हैं दोस्तों। तो काफ़ी ख़तरनाक ये झूला यहाँ पर। और मरी में ये
यही झूला मुझे यहाँ पर दिखाई दिया और मरी में ऐसा झूला कहीं भी मौजूद नहीं दोस्तों। चलो